हमने अपना राज्य बना के ये बात बोल रहे हैं। इससे पहले हमारे साथी पाशम यादगिरी बोल रहे थे कि हमने तेलंगाना मिला है, हमें किसी ने हमको तेलंगाना नहीं दिया, कोई अपना हक नहीं देता, हक छीने जाते हैं। हमने अपना राज चलाने का हक लड़के छीना है, और किन लोगों से छीना है मैं अपने खुद की बात दोहरा रहा हूं। आपका जब इससे पहले मैं दो बार आ चुका हूं त्रिपुरा, तेलंगाना बनने से पहले, तेलंगाना बनने के बाद, और वहां हमने कहा कि जब तेलंगाना की मुश्किलें हम जब दिल्ली को समझाना चाहते हैं, तब ऐसा प्रधानमंत्री था जो बोलता ही नहीं था, गूंगा था, बहरा था और किसी और की बात सुनता था। आज वो माहौल नहीं है, आज प्रधानमंत्री सुनता है, ताकत के साथ बोलता है और जो बोलता है वो करके दिखाता है, ऐसा प्रधानमंत्री आज है। इसीलिए त्रिपुरा लैंड आशा रख सकता है कि लद्दाख का मामला सुलझने दो, वहां जो धूल उठा बैठने दो, वो धूल उस दिन दूर नहीं है जब त्रिपुरा लैंड का दिन ये डिमांड हो, या बोडोलैंड का हो, या कर्बी एंगलोंग का हो, या दिमासा का हो, ये डिमांड भी रहेंगे। और हम तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठे, हम आपके साथ हैं, यहां तक आए हैं, क्योंकि आज जो है मसला कश्मीर का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश के रूप में देखना चाहते हैं। आजादी के से पहले आप भारत का हिस्सा नहीं थे, आप राजा के नीचे थे। आजादी से पहले हम हैदराबाद के, हम भारत में नहीं थे, हम हैदराबाद के राजा के नीचे थे। आजादी से पहले 2000 साल तक हमने अपना हुकूमत नहीं चलाया, हम गुलाम थे। आज पहली बार हम देख रहे हैं एक नव भारत का सूरज उठा है, देश बनाने का मौका मिला है, त्रिपुरा लैंड में हम सरकार। ये बात आप अपने दिल में रख के चलो।